नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज जो आप अभी तक मिस कर चुके हैं तुरंत अभी देखें। देखिए पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, एनसीडी स्कूलों में बच्चों को किताबों न मिलने पर हाईकोर्ट सख्त हो गई है। सीएम की गैर मौजूदगी के कारण दिल्ली सरकार ठप है, हाईकोर्ट ने यह कहा है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। सीएम ऐसा पद है जहां 24/7 मौजूद रहना होता है, हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया है। दूसरी बड़ी खबर, हेमंत सोरेन जमानत मामले में ईडी को नोटिस है, अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट चाहे तो गिरफ्तारी पर फैसला सुना सकती है। एक और बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव का आरएसएस पर बड़ा हमला है। आरएसएस दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है, अखिलेश यादव ये कहा है। अखिलेश बोले वोट के लिए आरक्षण पर आरएसएस के सुर बदले हैं। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट में पीएम के खिलाफ याचिका खारिज हो गई है। 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक की मांग खारिज कर दी गई है। याचिका में पीएम पर वोट के लिए धार्मिक कार्ड खेलने का आरोप है। और गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। तेलंगाना के सीएम को दिल्ली पुलिस का समन है। TV9 से बोले गृह मंत्री, फेक वीडियो बनाना निचले स्तर की राजनीति है। और डीप फेक पर प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर मेरा डीप फेक वीडियो करते हैं वायरल, प्रधानमंत्री ने कहा। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, नामांकन वापसी के आखिरी दिन प्रत्याशी अक्षय बम ने पर्चा वापस ले लिया। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम बीजेपी में शामिल हो गए। और सेक्स स्कैंडल में घिरे जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते को लेकर जेडीएस कोर कमेटी की कल बैठक होगी। पार्टी विधायकों ने रेवन्ना को सस्पेंड करने की मांग की है। एक और बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय ने कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब कर दिया। खालिस्तान के नारे पर भारत ने कड़ा एतराज जताया, कनाडा के पीएम की मौजूदगी में नारे लगे थे। इन सभी खबरों के साथ अब आपको बताते हैं कि कर्टन रेजर में आज कौन कौन सी खबरें जो आपके लिए देखनी जरूरी है। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हम आपके सामने लेकर आए, अमेठी से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को क्या चैलेंज दिया है? क्यों स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी को लेकर कांग्रेस डरी हुई है? दूसरी खबर, अमेठी रायबरेली पर कुछ घंटों में खत्म होगा सस्पेंस, कांग्रेस की परंपरागत सीट पर कौन होगा प्रत्याशी, एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपके सामने लेकर आए। तीसरी खबर, इंदौर में कांग्रेस की सूरत जैसी क्यों हुई? दिल्ली में लवली ने जिम्मेदारी का हाथ क्यों छोड़ दिया? क्या ऐसे हाथ बदलेगा हालात? फिर चौथी खबर, देवगौड़ा के पोते पर सनसनीखेज आरोप लगे, सेक्स स्कैंडल, पेन ड्राइव और ब्लैकमेल का कनेक्शन, लेकिन सांसद पोता भारत से गायब है। पांचवीं खबर, क्या यूरोप में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती होगी? पुतिन की परमाणु धमकी क्या 2024 में विनाश लाएगी? ये बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, देश की कई हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में अमेठी का नाम टॉप पर है। अमेठी आज दो वजहों से दिन भर चर्चा में रहा। पहला, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने यहां से अपना नामांकन भर दिया है। दूसरा, उनके सामने कांग्रेस की इस परंपरागत सीट से उम्मीदवार के नाम पर सस्पेंस। हम कोशिश करेंगे आज आपको इस सवाल का जवाब दें, लेकिन पहले स्मृति ईरानी के मंदिर दर्शन और शक्ति प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सीधे चलते हैं, देखिए क्या हुआ आज। स्मृति ईरानी जी जब आज जा रही थी नामांकन भरने, तो उससे पहले ये तस्वीरें देखें। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि वहां पर बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना हाई है। स्मृति ईरानी ने आज नामांकन से पहले अमेठी में लंबा रोड शो किया। उनके सियासी शक्ति प्रदर्शन में उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी थे। ये रोड शो सुबह 11:30 बजे बीजेपी कार्यालय से शुरू हुआ, शहर के कई इलाकों से गुजरता हुआ ये कलेक्ट्रेट पहुंचा। ये देखिए तस्वीरें देखिए बाप, और यहां पर काफी लोगों का हुजूम था, पुष्प वर्षा हो रही थी, और ये देखिए भीड़। इन्होंने करीब 1:20 पर अपना नामांकन किया। रोड शो के दौरान सड़क पर समर्थकों का हुजूम, जगह जगह उन पर पुष्प वर्षा होती रही। स्मृति ईरानी अमेठी से मौजूदा सांसद है, वो यहां से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रही। रोड शो से पहले वो मंदिर दर्शन करने भी पहुंची, जीत का आशीर्वाद मांगा, अपने आवास पर पूजा पाठ और हवन के साथ दिन की शुरुआत की। इसी साल फरवरी के महीने में अमेठी में उनका नया घर बनकर तैयार हुआ था, यहां पर एक मंदिर बनाया गया है। स्मृति ईरानी ने नामांकन से पहले अपने घर में बने इसी मंदिर में हवन पूजन किया। हालांकि आज जब वो नामांकन के लिए घर से निकली तो रास्ते में कांग्रेस दफ्तर के पास बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की सी झड़प भी हुई। उनके नामांकन को कवर करने पहुंचे TV9 भारतवर्ष के संवाददाता पंकज झा ने न सिर्फ स्मृति ईरानी से बातचीत की बल्कि अमेठी की नब्ज भी टटोलने की कोशिश की।
अमेठी का संग्राम, कैमरे पर युद्ध, एक्सक्लूसिव। बीजेपी के कार्यकर्ता देखिए घेरा तोड़ दिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। ये देखिए बीजेपी के लोग कांग्रेस की तरफ चढ़ते हुए जा रहे हैं। ये है अमेठी, ये अमेठी का संग्राम। चुनावी संग्राम से पहले सड़क पर युद्ध चल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। क्या हुआ? पुलिस प्रशासन द्वारा भाजपा के गुंडे कार्यालय में घुसकर हमारे कार्यकर्ता को मारे हैं। आज ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनका आरोप है कि बीजेपी के लोग यहां आए हैं, बवाल हो रहा है यहां पर। ये देखिए अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के पास बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ये हल्की झड़प उस समय हुई जब स्मृति ईरानी का काफिला यहां से होते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहा था। स्मृति ईरानी नामांकन से पहले रोड शो के जरिए अमेठी में शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। स्मृति ईरानी निकली है रथ पर सवार होकर अपने सहयोगियों के साथ। बैंड बाजा गाजा, तमाम तरह के होर्डिंग, बैनर, झंडा, डंडा लिए हुए स्मृति ईरानी निकली है नामांकन करने के लिए। नामांकन एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है, रोड शो है और उनके सहयोगी भी हैं। सबसे वो अभिवादन स्वीकार करते हुए चल रही है। स्मृति ईरानी ने अमेठी से पहली बार लोकसभा का चुनाव वर्ष 2014 में लड़ा था। तब वो कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी से 1,00,000 से अधिक वोटों से चुनाव हार गई थी। इसके बाद वर्ष 2019 में वो यहां से दोबारा चुनाव लड़ी और इस बार उन्होंने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से चुनाव हराया था। अब वो लगातार तीसरी बार अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार हैं और TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में जीत के प्रति आश्वस्त दिखी। अब कॉन्फिडेंट लग रही हैं 2024 को। क्यों ना लगो, हम सबके पास मोदी हैं। अगर राहुल गांधी होते तो अंडर कॉन्फिडेंट दिखते। स्मृति ईरानी ने दोपहर 1:20 पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, दो सेट में पर्चा भरा, TV9 भारतवर्ष से बातचीत में ये भी कहा कि यहां से कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा वो हारेगा। कि अगर ऑप्शन है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आपको क्या लगता है कि स्मृति किसके साथ चुनावी मुकाबले में थोड़ा बीच पे रहेंगी? कांग्रेस से प्रत्याशी कौन रहेगा ये कांग्रेस का विषय, मेरा विषय है नहीं। मेरा बस विषय ये है कि जो भी प्रत्याशी आए कांग्रेस का वो हारेगा। पांचवें चरण के लिए अमेठी में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। यहां नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हुई थी। 3 मई पर्चा भरने का आखिरी दिन है, यानी एक तरह से 4 दिन शेष है। स्मृति ईरानी ने बीजेपी से आज ताल ठोक दी है, लेकिन कांग्रेस से प्रत्याशी कौन होगा इस पर अब भी सस्पेंस है। पंकज झा, TV9 भारतवर्ष, अमेठी। स्मृति ईरानी ने आज TV9 पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर कुछ और सवाल उठाए। कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर कुछ नए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कांग्रेस का न्याय पत्र घोटाले का मैनिफेस्टो है। मुसलमानों को पब्लिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट देने की घोषणा क्यों की गई? गुणवत्ता के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट देने का वादा क्यों नहीं किया? कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस के न्याय पत्र में शरिया कानून को समर्थन है। कांग्रेस ने 3 तलाक कानून का समर्थन क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। राहुल गांधी को PM उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किया? इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब नाकाम पॉलिटिक्स का संकेत। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को सीधा चैलेंज दे रही है, लेकिन अमेठी को लेकर राहुल गांधी की खामोशी और कांग्रेस का कोई भी फैसला ना लेना, इनडिसिजन जिसे कहते हैं, वो कई सवालों को जन्म दे रहा है। यूपी में कांग्रेस की दोनों परंपरागत सीटों अमेठी और रायबरेली को लेकर सस्पेंस अब तक कायम है। दोनों जगह कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा, पार्टी ने रणनीति का खुलासा अब तक नहीं किया। दोनों ही जगह नामांकन पत्र दाखिल करने में अब कुछ ही दिन शेष है, लेकिन हमारे पास पार्टी सूत्रों से बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत ने जानकारी दी है कि दोनों ही सीट पर कांग्रेस कुछ ही घंटों में प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। हालांकि राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने पर अभी तक सहमति नहीं दी है। राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड और अमेठी दोनों सीट जीतने पर वो जिसे भी छोड़ेंगे वो गलत संदेश जाएगा। राहुल गांधी वायनाड छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अमेठी की हार के समय उन्हें वायनाड नहीं जिताया था। वहीं प्रियंका गांधी का कहना है कि गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में पहुंचे, ये ठीक नहीं होगा।
अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस की रणनीति पर टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखें। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देखे। राहुल गांधी अमेठी से भाग गए, स्मृति ईरानी उन पर यह आरोप एक नहीं कई बार लगा चुकी हैं। लेकिन अमेठी सीट पर राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है, इसका खुलासा टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उनके करीबी सिपह सालार जयराम रमेश ने किया। ये भाग रहे हैं हारने के डर, भाग नहीं रहे, उन्होंने कहा है। उनको पहली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय 15 मार्च को यह सवाल पूछा गया था, मैं वही उनका जवाब दोहराऊंगा कि मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं, जो सीईसी तय करेगा मैं उसका पालन करूं। पार्टी सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता लगातार मांग उठा रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरे। इससे न सिर्फ यूपी में कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा बल्कि पूरे देश में सकारात्मक संदेश जाएगा। इन्हीं मांगों को लेकर 2 दिन पहले सीईसी की एक बैठक भी हुई थी, कांग्रेस अध्यक्ष तक ये मांग पहुंचाई गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संबंध में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों से अलग से बातचीत की। इसके बाद पता चला कि राहुल वायनाड सीट नहीं छोड़ना चाहते और प्रियंका ने कहा कि तीनों गांधी का संसद पहुंचना ठीक नहीं रहेगा। अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि संगठन चाहता है कि राहुल जी वहां से लड़े, प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, जवाब है हाँ, हम लोग सब चाहते हैं। गेंद अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पाले में है और जयराम रमेश के मुताबिक दोनों ही परंपरागत सीट पर फैसला बहुत जल्द होगा। कुमार विक्रांत, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, यह सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग नहीं है। इंडिया अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी टीवी 9 से खास बातचीत के दौरान इशारों में कहा था कि कांग्रेस को दोनों जगह मजबूत प्रत्याशी उतारना चाहिए। करीब 2 हफ्ते पहले हमने आपको कांग्रेस की एक अंदरूनी बैठक की एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए बताया था कि राहुल गांधी ने पहली बार बीजेपी के डर वाले आरोप का जवाब दिया था। उन्होंने तब कहा था कि हम डरने वाले नहीं हैं, मेरी व्यक्तिगत वजहें थीं। डर के भागने जैसी बात की जा रही है, आप लोग भी कह रहे हैं कि उत्तर भारत में संदेश ठीक नहीं जाएगा, पारंपरिक सीट है तो मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। डर कर भाग गया, यह संदेश गलत है, इस नैरेटिव को निस्तनाबूद करना होगा। ध्यान से देखिएगा यह खबर, पहले उससे पहले कुछ भी देखने से पहले यह तस्वीर देखिए, यह देखिए बाप, यह आप सब जानते हैं, कैलाश विजयवर्गीय है। और इनके पीछे जो तस्वीर है, अब आपको मैं बताता हूं सस्पेंस क्या है। इंदौर में जहां पहले से कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित था, आज वहां कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, अपनी पार्टी को रनआउट कर दिया, और यह है उसकी तस्वीर। इंदौर में सियासत की वही सूरत दिखी जो 8 दिन पहले गुजरात के सूरत में नजर आई थी। सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ था, इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती खत्म हो गई। इस तरह वोटिंग से पहले ही कांग्रेस ने इंदौर की सीट गंवा दी। इंदौर के उम्मीदवार भाजपा में शामिल हो गए कांग्रेस। इंदौर में बीजेपी के रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती खत्म हुई तो पार्टी कार्यकर्ताओं को वोटिंग से पहले ही जीत दिखने लगी। बीजेपी में आए अक्षय बम, कांग्रेस का खेल खत्म। इंदौर में नाम वापसी का आज आखिरी दिन था, बीजेपी ने कुछ घंटे पहले ही बड़ा सियासी दांव खेला। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, पहले नाम वापस लिया और थोड़ी देर बाद बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के साथ एक तस्वीर शेयर की, साथ में लिखा था, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का बीजेपी में स्वागत है। कांग्रेस को इंदौर में डबल झटका लगा, चुनाव लड़े बिना ही कांग्रेस हार गई। कांग्रेस में इंदौर से टिकट के कई दावेदार थे, लेकिन टिकट अक्षय कांति को मिला, इसलिए दूसरे दावेदार और इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने फोन पर पार्टी के सीनियर नेताओं पर सरेआम गुस्सा उतार दिया।
हम बताते हैं फिर उसको। पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए, आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े हैं दमदारी से, मगर वो निकल गया, हम बताते हैं फिर उसको। नहीं नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देख कर? पांच पैसे दो टिकट, पैसे से दो, तुम पैसा देख कर टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। क्या मालूम कहाँ मैं तो कलेक्टर में हूँ यहाँ पे, मैं पहुँचा, मेरे को खबर लगी, मेरे को खबर थी, मगर वो उसके पहले निकल गया। दूसरी तरफ फोन पर कौन था ये पता नहीं चला, लेकिन इंदौर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का गृह नगर है, इसलिए सबसे ज्यादा फजीहत उन्हीं की हो रही है। विरोधी जीतू पटवारी से इस्तीफा मांगने लगे हैं। एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर तीन दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई, 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की, और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फार्म निकलवा लिया गया। पेशे से बिजनेसमैन अक्षय कांति बम ने 5 दिन पहले 24 अप्रैल को नामांकन दाखिल किया था। हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल प्रॉपर्टी 57 करोड़ रुपए बताई थी। अब सवाल ये है कि 5 दिन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अक्षय कांति ने नाम वापस लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। 543 सीटों के लिए हो रहे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को अब तक 3 झटके लग चुके हैं, मतलब 3 बार रनआउट हो चुके हैं। आज इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति ने नाम वापस ले लिया। आज से 8 दिन पहले 21 अप्रैल को गुजरात की सूरत सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नाम रद्द हो गया था। मध्य प्रदेश की ही खजुराहो लोकसभा सीट जो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी, उसका नामांकन 5 अप्रैल को रद्द हो गया था। यानी ये 3 सीटें इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़े बिना ही गंवा दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद इंदौर से आते हैं, इसीलिए इंदौर कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट थी, लेकिन जीतू पटवारी के घर में ही बीजेपी ने सेंध लगा दी। अक्षय कांति बम की नाम वापसी आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना थी, इसीलिए इस पर बयानों के खूब तीर चले। आप ये रिपोर्ट। कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है तो अब हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने घुटने टेके है, कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा, क्योंकि बहुत सारे पानी गंदा पानी है, हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत हुई हो। उनके ऊपर हत्या का एक नया आरोप लगाया बीजेपी ने, क्या प्रेशर बनाया मुझे नहीं पता है। ऐसे तो कोई अपना विड्रॉ नहीं करता है, नॉमिनेशन और चला नहीं जाता है, लेकिन एक बात ये सच है कि जब हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, तो ये लोकतंत्र का चीरहरण है। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते, कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की निर्लज और घटिया राजनीति है जो अक्षय बम ने किया है, ये निर्लजता, घटियावाद और धोखे की पराकाष्ठा है, और मैं लिख कर दे रहा हूं आपको कि इनका कोई भविष्य नहीं है। उस परिवार को मैं बहुत दिनों से जानता हूं, मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो राष्ट्रवाद सोच के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए। उनका कांग्रेस का प्रत्याशी ही अपना नामांकन वापस ले लेता है, ये कांग्रेस के इस प्रकार के हालात देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बने हैं। सवाल यह है कि अक्षय कांति बम के नाम वापस लेने के बाद इंदौर में चुनाव का क्या होगा? अक्षय कांति बम के नॉमिनेशन वापस लेने के बाद इस सीट पर सारा खेल निर्दलीय उम्मीदवारों पर टिक गया है। बीजेपी इंदौर में भी सूरत जैसा कुछ करना चाहती है, इसकी तैयारी भी की गई। इंदौर सीट से कुल 23 नॉमिनेशन फाइल किए गए थे। आज इंदौर में नाम वापसी का आखिरी दिन था। अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद 8 निर्दलीय उम्मीदवार भी इंदौर के कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया।
यानी नाम वापसी के आखिरी दिन 9 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। हालांकि अभी भी 14 उम्मीदवार मैदान में, जिनमें बीएसपी उम्मीदवार भी शामिल है। इसीलिए आज के घटनाक्रम के बाद इंदौर में जो सियासी तस्वीर बनी है उसमें बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी का मुकाबला बीएसपी सहित बाकी बचे 13 उम्मीदवारों से होगा। अब इसके बाद दिल्ली की ओर रुख करते हैं। इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार ने नाम वापस लेकर झटका दिया पार्टी को, तो दिल्ली में पार्टी की कमान संभाल रहे अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस की भारी फजीहत कर दी है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर छठे फेज में 25 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन मतदान से 28 दिन पहले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे ने पार्टी को संकट में फंसा दिया। इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी भारी कंफ्यूजन है। पार्टी दो धड़ों में बट गई। अरविंदर सिंह लवली ने अपने इस्तीफे की वजह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को बताया। अब इसे लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। बीजेपी को मौका मिला है तो वो भी हमलावर। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इसका संज्ञान ले रहे होंगे। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफे की वजह आम आदमी पार्टी से गठबंधन को बताया, लेकिन संजय सिंह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस का पूरा श्रेय लवली को दे रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी से समझौता कराने में लवली जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब किस कारण से अभी वो बोल रहे मैं नहीं जानता, तो इसका श्रेय उनको भी जाता है। जब इसे लेकर टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन ने अरविंदर सिंह लवली से बात की तो उन्होंने कहा जब गठबंधन के लिए बैठक हो रही थी तब वो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थे ही नहीं। 1 तारीख को मेरी अपॉइंटमेंट लेटर आई थी, तो जब मैं अध्यक्ष ही नहीं था और मैं उन मीटिंगों में ही शामिल नहीं था तो वो अपने आप से अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। लवली ने गठबंधन पर सवाल उठाए तो संजय सिंह ने पूछ लिया कि पहले लवली ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया था, अब वो बदल कैसे गए। तो इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री की जब गिरफ्तारी हुई थी सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में वो थे। अब वो किस कारण से बात बोल रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। मैं इस एक्सटेंट पे गया कि मेरी मर्जी नहीं थी, तब भी मैं केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पे उनके घर गया और मैंने जो है टाइमिंग के ऊपर प्रश्न उठाए। इस बीच दिल्ली के सियासी गलियारों में अरविंदर सिंह लवली को लेकर ये चर्चा होने लगी कि वो जल्द ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे। हालांकि लवली ऐसी खबरों को खारिज कर रहे हैं। कल उनका एक मंत्री कर देता है कि मैं इस दिल्ली से लोकसभा लड़ रहा हूँ बीजेपी की टिकट पे। मुझे जानकारी नहीं थी कि बीजेपी की टिकट का फैसला भी ये लोग करते हैं, तो मुझे पता होता तो मैं इन्हीं के हाथ पैर जोड़ता कि इतने पावरफुल लोग हैं ये, कि सब पार्टी के टिकटों के फैसले ही ये करते हैं। उनके बारे में आक्षेप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, बजाय ये कि देखने के कि क्यों ऐसा लोग सोच रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, क्यों जो पूरा कनेक्ट है लोगों के साथ, जो जुड़ाव होना चाहिए नेतृत्व से, वो क्यों टूटता जा रहा है लगातार। अरविंदर सिंह लवली कह रहे हैं कि वो अकेले नहीं है जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से आहत हैं। लवली ने टीवी 9 से बातचीत में कहा कि उनसे पहले अजय माकन, संदीप दीक्षित, अनिल चौधरी जैसे नेता गठबंधन का विरोध करते रहे हैं, उन्होंने तो बस कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने की हिम्मत की है। हालांकि कांग्रेस आला कमान अरविंदर लवली को मनाने के मूड में नहीं है, इसीलिए उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया। टीवी 9 भारतीय संवाददाता कुमार विक्रांत ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पार्टी ने दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया आलाकमान के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कार्यवाहक अध्यक्ष के लिए दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र नाथ के नाम पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए देवेंद्र यादव और अभिषेक दत्त के नाम पर चर्चा चल रही है। दरअसल देवेंद्र यादव पंजाब के प्रभारी हैं, जबकि अभिषेक दत्त कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस में घमासान मचा है तो इसी चुनाव में कुछ ऐसे युवा चेहरे दिख रहे हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है। ये वो चेहरे हैं जो खुद उम्मीदवार नहीं है बल्कि अपने परिवार को जिताने के लिए मैदान में। आप ये दो चेहरे देखें, एक है अखिलेश यादव की बेटी आदिति यादव, ये अपनी मां डिंपल यादव के लिए लोगों से वोट मांग रही है। दूसरे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यवन सिंधिया, ये अपने पिता के लिए प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की गुना सीट से बीजेपी उम्मीदवार है, जबकि समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव मैनपुरी से मैदान में। दोनों सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है।
आपको बता दें कि सिंधिया और डिंपल यादव 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए थे। इस बार दोनों के परिवार ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यूपी के मैनपुरी में आदित्य यादव तो मध्य प्रदेश के गुना में महाराज गली गली घूम रहे हैं। दोनों चेहरे भले ही नए हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत बहुत पुरानी है। अदिति अपनी मां डिंपल यादव के प्रचार में जोर शोर से जुटी है, खुद से लोगों के बीच पर्चे बांट रही है, गांव वालों से मिल रही है, उनके साथ फोटो खिंचवा रही है। हर जगह उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। कुछ महिलाएं उनके पैर छूती भी नजर आई। वो अपनी मां के समर्थन में किसी नेता की तरह सधे अंदाज में लोगों से मतदान की अपील कर रही। मेरा आपसे निवेदन है कि मैनपुरी के विकास के लिए और संविधान में दिए हमारे कार्य के लिए और हम और आप सभी के समान मौके के लिए आप 7 तारीख को समाजवादी पार्टी को और साइकिल का बटन दबाएं। अदिति यादव अकेले भी कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर निकल रही, उनके प्रचार को लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। हम लोग मिलकर एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो महिलाओं को सशक्त रखे और युवाओं को नौकरी दे और बच्चों की शिक्षा बेहतर से बेहतर करे। मैनपुरी से 400 किलोमीटर दूर गुना में महाआर्यमन सिंधिया अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिताने में जी जान से जुटे हैं। चंदेरी में उन्होंने अपने हाथों से चाय बनाई, चाय उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी पिलाई और खुद भी पी। नाश्ते की एक दुकान में समोसे बनाए भी और खाए भी। चंदेरी में ही प्रचार के दौरान वो एक साड़ी की दुकान में गए और उनसे बातचीत की। इसी तरह वो एक सब्जी की दुकान पहुंचे और उनका हालचाल पूछा। लोगों से मिलने जुलने का महाआर्यमन का अंदाज बिल्कुल अपने पिता की तरह है। वो बड़े बुजुर्ग और महिलाओं से गले मिलते हैं, आदिवासी समुदाय की महिलाओं के साथ जमीन पर बैठकर बातचीत करते हैं। महिलाओं के साथ लोक गीतों में भी शामिल होने से महाआर्यमन सिंधिया नहीं कतराते। कभी वो क्रिकेटरों से मिलने चले जाते हैं तो कभी लोगों के साथ डांस करने लगते हैं। महिलाएं उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं। वो कभी बैलगाड़ी पर दिखते हैं तो कभी ट्रैक्टर पर। चाहे महाआर्यमन हो या अदिति, दोनों विदेश से पढ़े हैं, लेकिन दोनों जिस तरह देसी अंदाज में लोगों से मिल रहे हैं वो जनता को काफी पसंद आ रहा है। अदिति यादव और महाआर्यमन सिंधिया को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें प्रचार के मैदान में लॉन्च किया गया है, आने वाले दिनों में वो परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रचार का एक स्याह रंग ऐसा भी है जिसके जरिए देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तकनीक का गलत इस्तेमाल कर फर्जी और नकारात्मक जानकारी लोगों के बीच फैलाई जा रही है। चुनावों में अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे की बात होती है। अब इस खतरे की आंच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह का एक एडिटेड फर्जी वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गृह मंत्री के इस फर्जी वीडियो और उसके साथ असली वीडियो को पोस्ट किया ताकि लोग सही गलत की पहचान कर सकें। इस फर्जी वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की बात करते दिख रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। अब बीजेपी और गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद इस मामले में पुलिस एक्शन शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे, रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी और असली दोनों वीडियो आपने सुने। सही क्या है और गलत क्या, ये भी वीडियो की आवाज सुनने के बाद शीशे की तरह साफ हो गया। असली या ओरिजिनल वीडियो में गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों के लिए असंवैधानिक आरक्षण हटाने की बात कही थी। असल वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी वीडियो में मुसलमान शब्द को हटा दिया गया। इसके बाद दुष्प्रचार ये फैलाया गया कि गृह मंत्री अमित शाह एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की बात करते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी और गृह मंत्रालय दोनों एक्शन में आ गए। वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई,
टीवी 9 भारतवर्ष के पास एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है, जिसमें आईपीसी की धारा 153, 153 ए, 465, 469 और धारा 66 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये वीडियो फेसबुक और एक्स समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को आगे सर्कुलेट किया गया, सभी को नोटिस सर्व कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 5 लोगों की पहचान भी कर ली है। फर्जी वीडियो केस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को भी पूछताछ का नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने उन्हें 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई करने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले है। तेलंगाना के सीएम ने गृह मंत्री के फर्जी वीडियो का हवाला देते हुए कहा था कि उन्होंने आरक्षण को खत्म करने की बात कही है। साथ ही तेलंगाना कांग्रेस के एक्स हैंडल से इस फर्जी वीडियो को शेयर भी किया गया था। रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ऐसे में वो जांच के घेरे में हैं। इस फर्जी वीडियो पर गृहमंत्री अमित शाह की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी में है, यहां उन्होंने असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा के साथ विशाल रोड शो किया। इस दौरान टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता अमोद राय से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फेक वीडियो बनाकर कांग्रेस ने राजनीति का स्तर नीचे गिरा दिया। देखिए, फेक वीडियो बनाकर मेरे मुंह में गलत बात दिखाकर वोट प्राप्त करने का सबसे नीचे स्तर का राजनीति राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस कर रही है। ये ही बता रहा है कि इनका आत्मविश्वास नहीं है फेयर एंड फ्री तरीके से चुनाव लड़ना और जीतने का। देश की जनता सब जानती है, अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ चल रहे हैं, वो फेस भी करेंगे, मगर देश के राजनीति के स्तर को इतना नीचे गिराना ये राहुल जी ही कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह से पहले प्रधानमंत्री मोदी की आवाज का भी डीप फेक के जरिए गलत इस्तेमाल किया जा चुका है। आज पीएम मोदी कर्नाटक में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे से लोगों को आगाह किया, साथ ही इसका गलत इस्तेमाल करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी बद्दी बद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। ये देश का कानून किसी के साथ भी प्रकार के खेल खेलने की इजाजत नहीं देता है। प्रधानमंत्री मोदी एआई के खतरे से इसलिए देश को सतर्क कर रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में इसके दुरुपयोग के कई मामले सामने आ चुके हैं। राजनीति से लेकर सिनेमा और क्रिकेट जगत तक कई दिग्गज इसके शिकार हो चुके हैं। हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक फर्जी वीडियो वायरल किया गया, जिसमें आरक्षण को लेकर झूठ फैलाया गया। इससे पहले एक्टर रणवीर सिंह, आमिर खान और अमिताभ बच्चन का भी डीप फेक वीडियो सामने आया था। क्रिकेटर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का भी डीप फेक वीडियो तैयार कर उसका गलत इस्तेमाल किया गया। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ किया है कि उनके फर्जी वीडियो के जरिए झूठ फैलाया जा रहा है। संघ शुरू से ही संविधान के अनुसार सभी आरक्षण का समर्थन करता रहा। वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे कर रहे, अंदर जाके कहते आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। एआई से जुड़े खतरे के बाद वो खबर जिसे चुनाव के बीच राजनीतिक गलियारों का तापमान कई डिग्री बढ़ा दिया है, कर्नाटक की सियासत में भूचाल ला दिया है। इस खबर के केंद्र में एक नेता है, एक यूएसबी ड्राइव है, करीब 3000 अश्लील वीडियोस हैं। आरोप है कि इन वीडियोस का इस्तेमाल लड़कियों को ब्लैकमेल करने और यौन शोषण के लिए हो रहा था।
यह आरोप देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते पर लगा है। मामले का खुलासा होने के बाद कर्नाटक की राजनीति गर्मा गई है। देवगौड़ा के पोते और हासन लोकसभा सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर जलाकर प्रदर्शन किया और देवगौड़ा परिवार के खिलाफ नाराजगी नारेबाजी की है। इस एक्स स्कैंडल का खुलासा कैसे हुआ ये रिपोर्ट देखें। एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने कई महिलाओं का यौन शोषण किया। इसका पता तब चला जब प्रज्वल रेवन्ना के घर पर काम करने वाली 47 वर्षीय महिला ने उन पर और उनके पिता एचडी रेवन्ना दोनों पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना विधायक। पीड़ित महिला का आरोप है कि प्रज्वल घर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करता था, उनके वीडियो बनाता था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 354A, 354D, 506 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की। कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। इस बीच 26 अप्रैल को हासन में वोटिंग के बाद रविवार को प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी रवाना हो चुके हैं। प्रज्वल रेवन्ना पर सबसे पहले आरोप बीजेपी नेता ने ही लगाए थे और दावा किया था कि रेवन्ना के पेनड्राइव में 2976 वीडियोज हैं और इन वीडियोज में कुछ महिला सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। रेवन्ना इन वीडियोज के जरिए पीड़ितों को ब्लैकमेल करता था। इस मामले से कांग्रेस को बीजेपी और जेडीएस के खिलाफ बड़ा हथियार मिल गया। बीजेपी जेडीएस पर जुबानी हमले हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से इस पर अब तक आधिकारिक बयान तो नहीं आया है। हालांकि जेडीएस कह रही है कि कानून अपना काम करे। आज कर्नाटक में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में। इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। मैंने तो मुख्यमंत्री को लेटर लिखे थे तो एंड मुख्यमंत्री इज आल्सो रिएक्टेड फॉर इट एंड सो नाउ एसआईटी टीम इज इन्वेस्टिगेटिंग। यस, द पेन ड्राइव व्हिच आई हैव रिसीव्ड टू माय ऑफिस, इट हैज गॉट हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस। ऑलरेडी द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ऑफ एसआईटी, नाउ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट एंड द एसआईटी। What is the real fact? We also doesn't know. Here, I am not bothered about Prajwal Revan. If he has done any mistake, then according to the law, he has to face it. और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस से बड़ी खबर। कल तक उम्मीदवार घोषित करेगी कांग्रेस, सूत्रों के हवाले से खबर। कर्नाटक में कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा की हुई बातचीत। कल राहुल की भिंड रैली से पहले होगा ऐलान। सीधे चलेंगे मेरे सहयोगी कुमार विक्रांत, इस वक्त हमारे साथ हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। विक्रांत बताइए क्या जानकारी आ रही है। ये देखिए, अमेठी रायबरेली को लेकर अब ये माना जा रहा है कि गांधी परिवार अब कल तक राहुल गांधी जब दिल्ली से मध्य प्रदेश के भिंड में प्रचार करने जाएंगे उसके पहले फैसला कर लिया जाएगा। और सूत्रों का यह कहना है कुछ देर पहले गुलबर्गा में राहुल प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष दोनों मौजूद थे और रोड शो करने के बाद दोनों के बीच में लंबी बातचीत हुई अमेठी रायबरेली को लेकर। इसके बाद अब ये माना जा रहा है कि आज रात या कल सुबह तक फैसला कर दिया जाएगा और कल ही अमेठी रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन गांधी परिवार यानी राहुल प्रियंका होंगे या सिर्फ राहुल होंगे या सिर्फ प्रियंका होंगी, ये अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन एक से लेकर तीन तारीख के बीच में नामांकन हो जाएंगे, तीन दिन बचते हैं कल 3 तारीख के बाद, इसलिए माना जा रहा है कि कल ही घोषणा कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। बिहार के बेगूसराय में उड़ान भरने के दौरान हवा में लहराया गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर। उड़ान भरने के तुरंत बाद 2 फीट नीचे आया, पायलट ने संभाला।
कर्नाटक के बागलकोट की रैली में पीएम मोदी की मां के साथ तस्वीर लेकर पहुंची लड़की से पीएम मोदी ने मंगाई तस्वीर। प्रधानमंत्री ने कहा, तस्वीर पर नाम और पता लिख दो, मैं चिट्ठी भेजूंगा। गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में तेलंगाना के सीएम को दिल्ली पुलिस ने भेजा समन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट तेलंगाना रवाना, 1 मई को हो सकती पूछताछ। सारण में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर ली चुटकी, बोले हमारे सीएम को ही किडनैप कर लिया गया, चाचा जी पलट गए, लेकिन हम उनका सम्मान करते रहेंगे, वो पिता तुल्य। गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में किया भव्य रोड शो, पार्टी की उम्मीदवार के साथ सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। यूपी के एटा में अखिलेश ने आरएसएस पर साधा निशाना, बोले आरएसएस दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार, वोट के लिए आरक्षण पर बदले सो। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रूपनगर में निकाला रोड शो, पार्टी उम्मीदवार मालविंदर सिंह के लिए मांगा वोट। जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भरा नॉमिनेशन, इस मौके पर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन अपने मंत्रिमंडल के 5 सहयोगियों के साथ पहुंचे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग की पत्नी अमृता वड़िंग का विवादित बयान, कांग्रेस के पंजे की तुलना गुरु नानक देव जी के पंजे से की, बोली मैं गुरु नानक देव जी के पंजे के लिए वोट मांगने आई। आगे देखिए, आटा कर्ज कंगाली, मोदी नीति से जिन्ना लैंड खाली। सपिया भारत।